हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पंजाब के, लाइव जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब, अब अगला सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसके पहले जब पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया जा रहा था या कांग्रेस पार्टी के भीतर जब शामिल कराया जा रहा था, उस दौरान आपने ये तमाम बातें सोनिया गांधी से, कांग्रेस आला कमान से क्या कही थी कि दरअसल इनकी नजदीकियां हैं पाकिस्तान से और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? आपको आपने टेलीविजन को तो आप देखा करो, आपकी सबकी स्क्रीनों पे मैंने ये बताया हुआ था। आपको ये नहीं मालूम कि मैंने अपोज किया उसको? लेकिन फिर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर किसका हाथ है? अगर इतनी बड़ी बातें आपने कांग्रेस आला कमान को बताई कि आपकी बातों को सिरे से खारिज करते हुए उनको न सिर्फ शामिल कराया गया बल्कि अध्यक्ष की कमान इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आप हो, जर्नलिस्ट आप पता करो दिल्ली में कौन इसके पीछे है। मैं कैसे कह सकता? कांग्रेस पार्टी में चूंकि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी में आखिर वो कौन है जो आपको बार बार इस तरह से अपमानित कर रहा था? आप पता करो, आप है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मैं कैसे बताऊं आपको? यू फाइंड आउट कौन मुझे अपोज कर रहा है वहां। आपने 92% तक मैनिफेस्टो में किए गए वायदों को पूरा किया जिसका जिक्र आप कर रहे थे, इन सब के बावजूद आपको अगर हटा दिया गया तो इसके पीछे की बड़ी वजह कैप्टन अमरिंदर को क्या नजर आती है? आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो नेता हैं, उनको आप क्या बताएंगे? आप जरा अपने आप को करेक्ट करें, पहले करेक्ट करें। मुझे हटाया नहीं गया, मैंने अपने आप को ह्यूमिलिएट फील किया और मैंने अपने आप रेजिग्नेशन दे दी। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने जब इस्तीफा देने की बात कही सोनिया गांधी से, तो उन्होंने मनाने की कोशिश नहीं की कि आप मान जाइए, आपके नेतृत्व में ही आगे? गजब बेइज्जती है। हाउ डेयर यू टेल मी।